हेलो बच्चों, मैं हूं अर्षद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर ऑफ टू वेरिएबल का पहला वाला हमने पार्ट कर दिया था स्टेटमेंट का, आज हम दूसरा डाल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप। इन ए टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर द टेंथ डिजिट इज थ्राइस ऑफ यूनिट डिजिट। टेंथ डिजिट यूनिट डिजिट की थ्राइस है। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर इस नंबर में से 54 सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन डिजिट आर इंटरचेंज। दोनों के डिजिट क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है वंस वाला टेंस में, टेंस वाला वंस में। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपका है, ये 2019 के आपका सेट से हमने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन, जब टू डिजिट नंबर का है तो पहले लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमने मान लिया, यूनिट डिजिट हमने एक्स मान लिया, और टेंस डिजिट हमने मान लिया, टेंस डिजिट हमने मान लिया वाई। ये सबसे पहला काम आपका करना है। और नंबर जो हो जाएगा आपका, नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। देखिए y जो आया है वो उसकी प्लेस वैल्यू है, y जो आया है उसकी क्या है? प्लेस वैल्यू। जहाँ टू डिजिट नंबर कहे थे, पहले टू डिजिट नंबर से हमने इतना काम कर लेते। अब क्वेश्चन पढ़िए, टेंस डिजिट इज, किसी डिजिट का टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है? वाई। उसके यूनिट डिजिट्स का थ्राइस है। थ्राइस का मतलब होता है तीन गुना। थ्राइस का मतलब क्या होता है? तीन गुना। तो वाई इज इक्वल टू 3x। तो इसका मतलब आपका, अगर इसको इक्वेशन बनाएंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन आपके 1। पहली लाइन के स्टेटमेंट समझ में आ गया, टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहे इफ, इफ का मतलब यदि 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, कौन सा नंबर आपका? 10y प्लस एक्स। अगर इसमें हम 54 सब्ट्रैक्ट करें, 54 क्या करें बेटा? सब्ट्रैक्ट करें, तो डिजिट आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है टेंस वाला डिजिट y में और y वाला डिजिट x में। अब इंटरचेंज कर दिया आपका, x माइनस, यहां पे आपको चेंज करना है टेंस वाला, अब हम करेंगे x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y इज इक्वल टू आपका हो गया 54। माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू बेटा आ गया 54। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, x माइनस y इज इक्वल टू आपका आ गया 54। तो x माइनस y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 54 बाय 9 सॉल्व कर देंगे, तो स्टेटमेंट आपके बनी x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6। ये आपके बन गए इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 आपकी जो थी वो थी आपकी 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये आपका बन गया इक्वेशन 1। अब आपको पहले वाले वीडियो में हम सब डाल चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड भी हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई मेथड लगा दो, लेकिन इजी आपके लिए जो इजी पड़ता है वो पड़ता है कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है, ये इक्वल है, तो बाय सब्ट्रैक्शन नीचे वाले का अपोजिट साइन करके कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 0, तो माइनस 2x इज इक्वल टू आ गया माइनस 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 बाय माइनस 2। सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। x वैल्यू किसी क्वेश्चन में रख दिया, तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6, x की वैल्यू है 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, हमें y की वैल्यू लानी है 3, ये इंटरचेंज कर दो इधर, प्लस 6 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू बेटा आ गया आपका 9। ये तो आपके डिजिट आ गए, लेकिन हमसे पूछा क्या गया? फाइंड द नंबर, फाइंड द डिजिट कहते, तो x और y आपका आंसर आ गया। अब फाइंड द डिजिट, डिजिट हमारा हमने क्या माना है? डिजिट जो हमने माना है वो नंबर इज इक्वल टू बेटा कितना है? 10y प्लस एक्स। 10 इंटू वाई की वैल्यू आपकी है 9, एक्स की वैल्यू आपकी 3, हमने वैल्यू पुट कर दी, 90 प्लस 3 इज इक्वल टू आपका हो गया 93, ये आपका नंबर हो गया। अब आपको चेक करना है अगर ये आंसर सही है या गलत है, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई का हमने रूल आपको बताया, ये खुद चेक करने के लिए आपका है, इसे चेक योर आंसर भी कहते हैं। कोई भी डिजिट में आप वैल्यू रख दो, कौन सी डिजिट है आपके? x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका है माइनस 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू
माइनस सिक्स, तो एक्स की वैल्यू आप रखेंगे 3, वाई की वैल्यू आपकी है 9, इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो आ जाएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये कंफर्म हुआ आपका आंसर क्या है, सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको लगवाते हैं। हाँ बच्चों, आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आप कुछ दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के पढ़िए। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये क्लास टेस्ट में शेफाली का मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में मिलाकर टोटल कितने हैं, 30। कह रहे इफ शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर देन द मैथ, यदि उसको मैथ्स में 2 मार्क्स अधिक मिलते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर 3 मार्क्स आपको इंग्लिश में कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 216। तो उन दोनों मार्क्स का मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करना जो है वो कितना होता है, 210। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेंड इन बोथ द सब्जेक्ट स्पेक्टली, दोनों के वैल्यू लानी है अलग अलग, मैथ्स में और उसमें। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफाली मार्क्स ऑब्टेंड द मैथ एंड मैथ और इंग्लिश मिलाकर टोटल कितने हैं, 30 डिग्री। तो अगर मैथ्स के मार्क्स हमने शिफाली के हमने अगर मैथ्स के मार्क्स हम मान लें एक्स मान लिए, तो इंग्लिश के कितने होंगे, इस क्वेश्चन को हम 1 वेरिएबल से भी लगा सकते हैं, 2 वेरिएबल से भी लगा सकते हैं। अगर हमने 2 वेरिएबल ट्राई कर रहे हैं तो एक्स और ये कितना हो गया, वाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैथ और इंग्लिश दोनों मिलाकर 30 है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो गया 30। ये क्वेश्चन क्या बन गई आपके, 1, मतलब मैथ्स और इंग्लिश मिलाकर टोटल मिलाकर उसके कितने मार्क्स मिले, 30। मैथ्स में कितने मिले और इंग्लिश में कितने मिले हमको नहीं पता। अब क्या कह रहा है, इफ शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर देन दी है, तो अब यहाँ पे होगा आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग का मतलब क्या है, अब न्यू मार्क्स कितने हैं। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, न्यू मार्क्स जो है मैथ्स में कितने होंगे, मैथ में कितने होंगे, न्यू मार्क्स मैथ में कितने होंगे। अब क्या कह रहे हैं, इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर देन दी, मैथ में जितने थे उससे 2 मार्क्स अधिक मिले, और न्यू मार्क्स इन इंग्लिश कर दे, अगर न्यू मार्क्स इन इंग्लिश जितने इंग्लिश में मिले थे पहले उससे क्या मिले, 3 कम मिले। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, इन दोनों मार्क्स का मल्टीप्लाई जो है 210 है। अब मार्क्स का मल्टीप्लाई जो है वो x प्लस 2 और y माइनस 3 इक्वल टू बेटा है 210। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, x का मल्टीप्लाई करेंगे y से एक्स वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 210। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है। अब ये आपको इक्वेशन 2 अगर मान लेते हैं, जिसको हमने मान लिया, अब 2 वेरिएबल को हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान देना। आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड क्या है तुम्हारा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा तुम्हारा कितना दिया है 30, इसको 1 वेरिएबल में अगर कन्वर्ट करोगे तो x इज इक्वल टू लिखेंगे या y इज इक्वल टू हम रखेंगे, y इज इक्वल टू हो सकता है 30 माइनस क्या लिख सकता है x, इक्वेशन ये 1 थी, इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या बना दिए, इक्वेशन 3। और जब 3 बन गई तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे सेकंड में, सेकंड क्या है आपकी, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 210। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x, और y की जगह हम रखेंगे 30 माइनस x माइनस 3x प्लस 2, y की वैल्यू हम रखेंगे 30 माइनस कितना x माइनस 6 इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ जाएगा 30x माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 210। अब देखिए, हमने आपको बताया था इंटरचेंज कब होता है या क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, जब सॉल्व होना बंद हो जाए। पहले अब आपका हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, x स्क्वायर लाइक टर्म पास पास लाइए,
प्लस 30x माइनस 3x माइनस 2x, ये तीनों x वाला है, डिजिट वाला आप देखिएगा, प्लस 60 माइनस 6 माइनस 210 इक्वल टू 0, ये आपके तीनों लाइकटम है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 25x प्लस, देखिए पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, अब 210 में से 54 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 0, इधर आया 156, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन लेके हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0, माइनस इधर आ जाएगा। अब ये जाके बने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आसान तरीका हमने बताया था, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, ये कर सकते हैं। 156 का अगर हम करेंगे, 156 टू से सॉल्व होगा, टू से करोगे थ्री टू जै सिक्स, सिक्स टू जै ट्वेल्व, तो यहां पे जो आएगा 12 इंटू 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0, दो दो का हमने पेयर बना दिया, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 आ गया, माइनस 13 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू आपका 0 आ गया, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 13। अब देखें यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी हो सकता है मैथ्स की वैल्यू 12 हो तो इंग्लिश की कितनी हो, 13। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू आपका है x इज इक्वल टू, अब ये x की वैल्यू जब 12 आई है तो y की वैल्यू आपकी क्या है, ध्यान दिएगा, तो y की वैल्यू आपकी आई है 30 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 12, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया कितना आपका 18, y इज इक्वल टू 18, जब x इज इक्वल टू हमने वो रखा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस एक्स, एक्स कितना द्वारा 13, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 17, ये x की वैल्यू आपकी आ गई x और y। अब अगर हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपका आंसर देखिएगा चेक हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है, और अगर यहाँ पे कह दे इन दोनों के मार्क्स में इस इक्वेशन में रख दे, इन दोनों मार्क्स का मल्टीप्लाई जो कह रहा है, ये चीज़ कितना आ रहा है 210, वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो वेरीफाई अगर हम करना चाहे तो क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं 12 में से 2 माइनस करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और वाई में से 3 माइनस करेगा तो 18 में से 3 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 210, ये चीज नहीं आ रही है, ये चीज 12 में 2 करोगे सॉरी 14 आएगा, आ रहा ठीक है। तो ये आपका आंसर जो आया है वो वेरीफाई हो गया, आपका आंसर सही है, इतना समझ में आया। अब हम आपको थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 117 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर इज 12 मीटर, फाइंड दी साइड्स ऑफ द स्क्वायर। देखिए दो स्क्वायर अलग अलग है तो उनके एरिया का सम जो दिया गया 117, दो अलग अलग स्क्वायर है तो फर्स्ट स्क्वायर की जब हमने साइड मान ली, फर्स्ट स्क्वायर की हमने साइड मान ली, साइड मान ली हमने x, और सेकंड स्क्वायर की हमने मान ली, सेकंड स्क्वायर की हमने साइड मान ली, ये आपको पहचानना है क्योंकि हमें ये नहीं बताए दोनों स्क्वायर अगर सेम होते हैं तो दोनों का डिफरेंस आपका आएगा नहीं, तो कितना हो गया भाई। अब क्वेश्चन देखिए क्या करें, पहले स्क्वायर का हमने साइड x मान ली और दूसरे स्क्वायर के साइड हमने क्या मान ली y। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का सम,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, इसका हो गया वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम जो दे रखा 117। ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, फर्स्ट। दोनों के एरिया का सम जो दे रखा है वो है 117। सेकंड लाइन क्या है, डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर, पैरामीटर का फार्मूला होता है 4 × साइड, और इसका भी होता है 4 × साइड। इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 12 cm, 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12, तो x माइनस y इज इक्वल टू 12/4, 4 से सॉल्व कर दिया हमने, x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपकी बन गई 2। अब ये 2 वेरिएबल को हम 1 वेरिएबल में चेंज कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो गया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y+3, x इज इक्वल टू y+2 से हमने बनाया इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट मेथड लगा रहे तो इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 117, तो x की वैल्यू हम रख देंगे y+3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो ये फार्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 117। y² ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2y², y² ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2y², उसके बाद आप करोगे 6y + 9 - 117 = 0, तो 2y² + 6y - अब हम माइनस करेंगे तो 108 = 0, 2 कॉमन लेके छोटा कर देते हैं, y² + 3y - 54 = 0, तो y² + 3y - 54 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि 54 किससे आएगा, भैया हम 54 को करेंगे 54 को हम करके देखेंगे तो 54 का हो जाएगा 1 × 54। या और आसान तरीका जो आपका है वो ये वाला तरीका लगाइएगा, 2 से करोगे 2 × 27 आने रेट 3। अब हम किससे सॉल्व करेंगे, 3 से, 3 9 है, 9 6 है भैया, 9 6 है 54 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y² + 9y - 6y - 54 = 0। दो दो के पेयर हमने बना दिए, y कॉमन आ गया तो y + 9 - 6 कॉमन ले लिया, y + 9 = कितना आ गया 0, तो y + 9 और y - 6 = 0। तो ये y की दो वैल्यू आई है, एक y की वैल्यू आपकी आई है -9 और एक y की वैल्यू आपकी आई है 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे थे, सम ऑफ द एरियाज ऑफ, जो हमने साइड मानी है x, कभी भी साइड माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्लियर हुआ, साइड एज पैसा लेंथ कभी आपकी माइनस में नहीं आ सकते, तो वाई की वैल्यू आपकी आई कितनी 6। अब वाई की वैल्यू 6 है तो एक्स की वैल्यू रख दिएगा, तो एक्स की इक्वेशन है आपका एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो एक्स इज इक्वल टू 6 + 3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 9, एक्स इज इक्वल टू 9। तो ये आपका x और y की वैल्यू आ गई, पहले स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 9 और सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 9। अब इसको हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो किसी भी इक्वेशन में रख के देख लो, क्योंकि यहीं पे वेरीफाई करके इसलिए बता देते हैं क्योंकि भाई हम भी यह गलती कर देते हैं, आप भी वो एग्जामिनेशन है, अब मैं गलती करूँ तो आपके 6 नंबर चले आएंगे, हम तो दूसरा यूट्यूब चैनल फिर से हम लूट कर देंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक बार बोर्ड के एग्जाम में कॉपी चली गई तो फिर जिंदगी भर वही मार्क्स आपके कहलाएंगे। कोई भी इक्वेशन वैल्यू रख दिए, अगर हम यहाँ रखेंगे 4x - 4y = दे रखा है आपका 12, वैल्यू रख के देख लिया, 4 × 9 - 4 × 6 = आना चाहिए 12, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपको कंफर्म समझ में आया ये हमारा आंसर क्या है, सही है। ये सब आपके अनसॉल्व के क्वेश्चन करवा रहे हैं, 2019 में आए हैं, अभी करंट में आए हैं ये सब, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ।